जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप सभी रोजगार की खोज वेबसाइट से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, आप सभी को क्या करना है, जिस भी भर्ती का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, आपको आना है और उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने उस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप सबसे पहले उस भर्ती की जानकारी चेक कर लेंगे। यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड। आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, बाय नाउ। अभी देखिए, बाय नाउ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी है वो आपको एक ही दिखाई देनी चाहिए। यदि आपकी यहाँ पर आपको 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर माइनस के चिन्ह पर क्लिक करके इसको एक कर देंगे। अभी देखिए, उसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा वहाँ पर फॉर्म का जो पीडीएफ का चार्ज था वो 20 रुपये था, लेकिन जैसे आप सभी अपने यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल कर देंगे, अपनी बिलिंग डिटेल्स, उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आपको 100 रुपये का पेमेंट दिखा सकता है, यानी आपको अधिक रुपये का, कितने रुपये का भी आपको पेमेंट दिखा सकता है। यहाँ पर आपका 20 रुपये का फॉर्म है लेकिन आपको 40, 60 या 80 दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया कि आपको क्वांटिटी एक ही रखनी है। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि आप एक साथ क्या है, 4 फॉर्म ECHS के डाउनलोड करें, एक यहाँ पर इसका डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक लॉक का चिन्ह, आपको यहाँ पर एक लॉक का चिन्ह दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप सभी आ जाएंगे अपने कार्ट में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रॉस का चिन्ह, आपको यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है तो आपको फिर से क्लिक करना है। यानी कि आपको तब तक क्लिक करते रहना जब तक यहाँ पर लिखा नहीं आ जाए योर कार्ट इज करंटली एम्प्टी। जैसे आपका एम्प्टी हो जाता है तो आपको क्या करना है, बैक फिर से आना है और बैक आने के बाद फिर से आप होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद फिर जिस भर्ती का फॉर्म डाउनलोड कर रहे थे उस पर क्लिक करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी का याद रखना है, आपकी क्वांटिटी एक ही रहनी चाहिए। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सभी बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो टोटल आपका जो पेमेंट है, जो आपका 20 रुपये का पीडीएफ था, आपका 20 रुपये ही हो चुका है। इसके बाद आप सभी को अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आप सभी यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सभी बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपका वेट करना है। यहाँ पर आपकी रिडायरेक्टिंग होगी आपके इंस्टामोजो पेज के लिए, यानी आपकी पेमेंट गेटवे के लिए। जैसे आपके यहाँ पर रिडायरेक्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप सभी के सामने तरह तरह के ऑप्शन आ जाएंगे कि आप जो अपना पेमेंट है वो किसके थ्रू करना चाहते हैं। आप UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वैसे पेमेंट यहाँ पर करेंगे। देखिए, कुछ 10 से 20 सेकंड के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जो आपको पेमेंट मेथड मिलेंगे वो आपको यहाँ पर भीम, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आपको करना होगा। तो यहाँ पर जो मेनली स्टूडेंट करते हैं वो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू करते हैं, तो मैं इस पर ही क्लिक कर देता हूँ। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यदि आप UPI आईडी के माध्यम से क्लिक यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप अपनी UPI आईडी के माध्यम से यहाँ पर क्लिक करके कर देंगे। वरना आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल पे, यहाँ पर आपको दिख रहा है पेटीएम, लेकिन यहाँ पर फ़ोनपे का आपको यहाँ पर अभी लोगो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ोनपे का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि देखिए, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सभी यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया फ़ोनपे पर है, जैसे फ़ोनपे पर क्लिक किया तो ये मुझे ले आया अपने फ़ोनपे ऐप में, आपको ले जाएगा। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, वहाँ पर अपनी UPI पिन डालनी है और UPI पिन डालने के बाद क्लिक करते हो तो आपको इस पर क्लिक कर देना, फिर कनेक्टिंग सिक्योरली होगी। इस प्रकार होता है, इस प्रकार आपका 20 रुपये का पेमेंट
हो जाएगा। अभी आपको कोई भी बैक बटन प्रेस नहीं करना है। इसके बाद जैसे आप अपना पेमेंट कर देते हो तो आपको मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पर कोई भी बैक बटन प्रेस नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का कोई यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट करना होगा। जैसे आप सभी यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के फाइल मैनेजर में जो PDF फाइल है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। इस प्रकार की आपको PDF देखने को मिल जाएगी जिस भी भर्ती का फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिए कि कैसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस बीच आपका कोई भी आपको प्रॉब्लम का फेस करने को मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है, आप सभी इस पर क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपकी क्या होता है, आपको किसी भी कारण से इस प्रकार का थैंक यू फॉर ऑर्डर का जैसा मैंने आपको पेज दिखाया वो आपको नहीं मिल पाता है, तो आप अपने ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर को चेक करेंगे। चलिए मैं आपको ईमेल आईडी पर लेकर चलता हूँ। देखिए जैसे ही आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी वहाँ पर उस ईमेल आईडी पर आएंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा इंस्टामोजो का, आपने पेमेंट किया इंस्टामोजो पर 20 रुपये का, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन उससे ऊपर आपको रोजगार की खोज यहाँ पर दिखाई देगा, एक आपको एक मेल दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर सेम दिखाई देगा योर रोजगार की खोज ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड और यहाँ पर आपको थैंक यू फॉर ऑर्डर करके दिखाई देगा और यहाँ पर आपका फिर से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपका पेमेंट हो चुका है, आप मेरे ऊपर क्लिक करके इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना, आपका जो PDF है वो डाउनलोड फिर से हो जाएगा। यदि आपको यह मेल फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं मिल पाता है, आपको यहाँ पर मेल ये दिखाई नहीं देता है रोजगार की खोज के नाम से, तो आपको क्या करना है, आपको साइड में जाना है, आपको यहाँ पर ऊपर जैसे ईमेल आईडी में आपकी 3 डॉट होती हैं सबसे ऊपर, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है एक स्पैम का फोल्डर, स्पैम का फोल्डर आपको दिखाई देता है, आपको स्पैम पर क्लिक करना है और स्पैम में यदि आपका स्पैम में आ चुका होगा तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर वो मेल दिखाई देगा और उस मेल पर क्लिक करके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप वहाँ पर जानकारी अपनी ले सकते हैं। कोई भी आपको पेमेंट करने के बाद कोई भी समस्या आती है, PDF नहीं मिल पाती है, तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सअप के मैसेज का रिप्लाई 10 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।